रविंद्रनाथ टैगोर विश्वविद्यालय में विश्व रंग के समापन समारोह में छत्तीसगढ़ की राज्यपाल अनुसुईया उइके पहुंची। कार्यक्रम के अंतिम दिन कई रंगारंग कार्यक्रम हुए। इस मौके पर राज्यपाल अनुसुईया उइके ने रविंद्रनाथ टैगोर विश्वविद्यालय के चांसलर संतोष चौबे और उनके इस कार्यक्रम की सराहना की। उइके ने कहा, विश्व रंग आयोजन में देश दुनिया की कला, संस्कृति और साहित्य का संगम हुआ है। साहित्य एवं संस्कृति के इस वैश्विक आदान प्रदान से भारतीय युवाओं को भी भारत के साथ दुनिया की संस्कृति का ज्ञान होगा। रविन्द्रनाथ टैगोर विश्वविद्यालय के 7 दिनों तक चले साहित्य, कला और संस्कृति के संगम का रविवार को रंगारंग कार्यक्रम और आतिशबाजी के बाद समापन हुआ। इस अवसर पर औपचारिक समापन सत्र में मुख्य अतिथि के रूप में छत्तीसगढ़ की राज्यपाल डॉ. अनुसुईया उइके, संस्कृति मंत्री मध्य प्रदेश उषा ठाकुर, लोक स्वास्थ्य एवं कल्याण विभाग मंत्री प्रभुराम चौधरी, विश्व रंग के निदेशक संतोष चौबे, विश्व रंग परिवार के सभी सदस्यों के साथ मौजूद रहे। विश्व रंग में कई कार्यक्रम आयोजित किए गए। आयोजन में प्रदेश के विभिन्न प्रदेशों से आए लोगों ने स्टॉल लगाए। इस दौरान आयुर्वेद से जुड़ी जानकारी दी गई और आयुर्वेद संबंधित उपचार आयुर्वेदाचार्य ने बताया। रविन्द्रनाथ टैगोर यूनिवर्सिटी विश्व रंग कार्यक्रम का आयोजन कर रहा है। विश्व रंग कार्यक्रम में कई कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। सांस्कृतिक विविधताओं से भरा ये कार्यक्रम में कई लोग कई प्रदेशों से शामिल हुए हैं। आइए देखते हैं कि विश्व रंग कार्यक्रम में कितने रंग हैं। मैं वनगिराम धुरकुटा, जिला डिंडोरी, मध्य प्रदेश आया हूँ। मेरा नाम दयाराम राठौड़िया, जाति बैगा हूँ। सर, ये हाथी है, चारपाई खटिया है, ये नकली खटिया जिसको जो है डुप्लीकेट में हम हाथी के रूप में इसको बनाते हैं, और दुल्हन की जो भाई होता है उसको स्वागत के लिए ये बनाया जाता है। हमारी बैगा जनजाति में विशेष इसको जो है परघोनी अगवानी के, इसको जो है अगवानी जैसा बोलते हैं आप इधर शहर के, हम परघोनी बोलते हैं इसको। जिला धार लगता है और 80 किलोमीटर आगे गाँव है बाग से। का नाम है सर भील भगोरिया नृत्य जी। इसमें क्या होता है सर? डांस होता है हमारा। ये डांस होली के एक सप्ताह पूर्व जो भगोरिया हाट पड़ता है ना सर, हमारे आदिवासी अंचल में, वहाँ पर ऐसे सज धज के तैयार होकर हम भगोरिया डांस करते हैं, तो वही डांस अभी यहाँ दिख। भील भगोरिया आदिवासी नृत्य दल, भील वाला। कहाँ से आई है? धार डिस्ट्रिक्ट से। अच्छा, तो ये विश्व रंग कार्यक्रम में ये जो डांस होगा ये किस मतलब होता है? होली के कितने दिन पहले तक होता है? 8 दिन पहले होते हैं। इसलिए किया जाता है, हमारा तैयार आता है, इसलिए त्यौहार आता है, इसलिए डांस कर जाता है। जो प्रोग्राम है बहुत अच्छा प्रोग्राम है, बच्चों के लिए भी इसमें एंटरटेनमेंट है, बड़ों के लिए बहुत सम्मानित किया जा रहा है, बड़े बड़े साइंटिस्ट हमारे यहाँ पे आए हुए हैं, तो ये बहुत अच्छा प्रोग्राम है और इस तरीके के प्रोग्राम आगे हमेशा होते रहें। विश्व रंग कार्यक्रम में मतलब स्टॉल लगाए हैं सर, और इसमें सर बहुत 50 कंट्री के लोग मतलब सर मतलब पार्टिसिपेट किए हैं सर। ये मतलब आयुर्वेद को लेकर जागरूकता को लेकर हम लोग यहाँ पे कार्य कर रहे हैं सर। में जो स्किल्स रिक्वायर्ड हैं फॉर कंप्यूटर रिलेटेड लाइक डेटा साइंस, AI ML, साइबर सिक्योरिटी, IoT, इन पे हम कोर्सेज रन कर रहे हैं। डिप्लोमा सर्टिफिकेट और शॉर्ट सर्टिफिकेट कोर्सेज, डिप्लोमा और 1 ईयर का कोर्स है। एक्चुअली हमारे पास एनिमेशन के कुछ कोर्सेज हम लोग प्रोवाइड कर रहे हैं ICA के बिहाफ पे, जो डिप्लोमा है, सर्टिफिकेशन है और कुछ शॉर्ट टर्म प्रोग्राम है। और हमारे पास फ्यूचर स्किल के भी कोर्सेज हैं लाइक डेटा साइंस और जो प्रोग्रामिंग से रिलेटेड कोर्सेज होते हैं, तो वो भी हम फिलहाल यहाँ पर रन कर रहे हैं। और अभी जो हमारा विश्व रंग चल रहा है इसमें हम कुछ स्कीम भी जो है बच्चों के लिए लेके आए हैं, जैसे जो डिप्लोमा कोर्स है हमारा एनिमेशन का, और उसमें कोई बच्चे एडमिशन लेना चाहते हैं तो स्कॉलरशिप जो है स्कीम हम लेके आए हैं, जो हम मार्केट से ऑलरेडी फीस जो है बहुत जस्ट हाफ में उसको ऑफर कर रहे हैं और उसमें भी स्कॉलरशिप दे रहे हैं। रविन्द्रनाथ टैगोर यूनिवर्सिटी के विश्व रंग कार्यक्रम में कई रंग शामिल है। यहाँ से कई प्रदेशों से लोग आए हुए हैं। आप देख सकते हैं हमारे सामने असम हैंडीक्राफ्ट्स है, इसमें ऑर्नामेंट्स हैं, ये असम के जो जनरली पारंपरिक वेशभूषा के जो पहने जाते हुए ऑर्नामेंट्स हैं। ये
असम का ट्रेडिशनल ज्वेलरी है, जो असम का ये जापी है, जापी को नेकलेस बनाया, ये शादी में लगाता है। और असम का जो फोक डांस है वो हम लोग बनाता है, वो जो बिहू में लगाता है, जुनबीरी लगाया है वो लेडी लॉस, वो हम बनाता है। कितने अलग अलग टाइप के होते हैं? अलग अलग डिजाइन है सभी, जापी होता है, गामखड़ होता है, जुनबीरी होता है, ऐसा अलग अलग नाम होता है सभी का। जैसे गले में पहनने का अलग, उसको गोलपाता बोलता है उसको, ये लगे जो असम फोक डांस है उसमें ये लगाकर नाचता है लेडी लोग। ट्रेडिशनल ऑर्नामेंट जो असम में, जो असम का लड़की लोग का जो शादी भी होता है ना, वो ट्रेडिशनल शादी के समय में भी ये पहनावा, जो गहने हैं वो पहनाया जाता है। और जब हम लोग डांस भी करते हैं, बिहू और अदर फोक डांस जब करते हैं, तब भी ये जो ऑर्नामेंट्स है पहना जाता है। इसमें बहुत सा प्रकार होते हैं, अलग अलग नाम होते हैं, जैसे जोनबीरी, धोनबीरी, फिर आपका लुका पारो, इस टाइप का नाम होता है। असम हैंडीक्राफ्ट्स में असम की जो ट्रेडिशनल्स कपड़े होते हैं, जो जनरली शादी वगैरह में पहने जाते हैं, और जो जनरली लोग डांस करते हुए, महिलाएं डांस करते हुए पहनती, वो भी सब मौजूद है। जैसे कि हमारे असम का गामोसा हर कोई पहचानते हैं, इसको सम्मान करने के लिए भी दिया जाता है। इसको हम लोग ऐसे टॉवल की तरह भी यूज़ करते हैं, गले में भी लेते हैं, बिहू के टाइम पे डांस करने के टाइम पे सिर पे भी बांधते हैं, वैसे यूज़ किया जाता है। और ये जो हम लोगों ने रिहा पहना हुआ है, ये भी है यहाँ पे, जैसे ये रिहा है यहाँ पे हम ये पहनते हैं। और फिर शॉल है यहाँ पे, जो खादी शॉल्स है असम के, ये ओरिजिनल मुगा सिल्क का है, जो असम का सबसे फेमस है मुगा सिल्क, तो ये है। और ये सब मिसिंग मेखला चादर है, जो असम का और अदर ट्राइब्स भी है ना, तो ये मेखला चादर वगैरह वो मिसिंग ट्राइब का है। डांस में हम लोग जैकेट पहनते हैं, अलग जैकेट होता है, और हम लोग ये शादी में भी पहनते हैं जैकेट वगैरह। ये खादी जो मुगा का सिल्क होता है ना, वहाँ से उससे बनाते हैं। और ये इसमें बहुत सारे डिजाइन आते हैं, मुगा में साड़ी भी बनती है। अच्छा, इसको मुगा बोलते हैं? हाँ जी, इसको मुगा बोलते हैं और इसको पात बोलते हैं। कि प्राइस बहुत ज़्यादा होती है, जो खाती जो मुगा होता है ना ओरिजिनल वाला, उसका 8000 आता है, जो रिहा होता है उसका 8000 आता है। इसका जो ओरिजिनल वाला है, जो मिक्स में भी मिलता है वो थोड़ा सा कम आ जाता है, लेकिन जो ओरिजिनल वाला है उसका 8000 आता है एक रिहा में। ये यूज़ होते हैं हाँ, जो हमारे बुजुर्ग होते हैं ना, वो लोग ये यूज़ करते हैं, और शादी में भी ये गिफ्ट करते हैं बड़े को, जो बड़े होते हैं बुजुर्ग होते हैं, मम्मी पापा को ये गिफ्ट करते हैं, ये रस्म है, इसको करना ही पड़ता है। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि डॉक्टर अनुसुईया उइके ने कहा कि विश्व रंग आयोजन में देश दुनिया की कला, संस्कृति और साहित्य का संगम हुआ है। सही मायने में सामाजिकता, कला, संस्कृति के मूल्यों को युवा स्वीकार कर सके, यह दायित्व साहित्यकारों का है। 21वीं सदी में भारत के विश्व गुरु बनने की राह में विश्व रंग पहला कदम है। उन्होंने ये भी बताया कि आज जिस जगह वो राज्यपाल बनकर आई हैं, यहाँ पहले कभी विधानसभा लगती थी और वे विधायक चुनकर आई थी। वहीं संस्कृति मंत्री ऊषा ठाकुर ने कहा कि कई सदियों से संतोष चौबे जैसे महान विभूतियों का जन्म होता है, टैगोर के नाम पर इतना कार्य करना सराहनीय है। कला, संस्कृति, साहित्य के संरक्षण एवं संवर्धन की दिशा में काम करने के लिए टैगोर स्वयं भी आशीर्वाद दे रहे हैं, जिसका माध्यम संतोष चौबे है। विश्व रंग की सह निदेशक डॉक्टर अदिति चतुर्वेदी वत्स ने पुस्तक यात्रा से लेकर विश्व रंग के समस्त कार्यक्रमों का विस्तार से जानकारी दी। गेट सेट पेरेंट के चिल्ड्रन लिटरेचर आर्ट एवं म्यूजिक फेस्टिवल के निदेशक डॉक्टर पल्लवी राव चतुर्वेदी ने बाल महोत्सव की पूरी जानकारी दी और बच्चों के उत्साह को रेखांकित किया। विश्व रंग के सह निदेशक डॉक्टर सिद्धार्थ चतुर्वेदी ने सभी का आभार प्रकट किया। सदन में एक राज्यपाल के रूप में मैं यहाँ पर इसको स्वीकार करूंगा।
मेरे लिए मंदिर है और इस सदन को मैं नमन करती हूँ। अब तक पहुंचाए बिना अपने आप को कभी भी रोक नहीं पाती, तो उन्हीं की पंक्तियों में आपसे प्रार्थना करती हूँ। है अमर शहीदों की पूजा, हर एक राष्ट्र की परंपरा, इनसे है माँ की कोख धन्य, इनको पाकर है धन्य धरा। गिरता है इनका रक्त जहाँ, वो ठोर तीर्थ कहलाते हैं, वो रक्त बीज अपने जैसों की नई फसल दे जाते हैं। इसलिए राष्ट्र कर्तव्य शहीदों का समुचित सम्मान करे, मस्तक देने वाली जमात पर वह युग युग अभिमान करे। होता है ऐसा नहीं जहाँ, वो राष्ट्र नहीं टिक पाता है, आजादी खंडित हो जाती, सम्मान सभी बिक जाता है। वहीं विश्व रंग में शिल्पा राव के गीतों ने लोगों को झूमने पर मजबूर कर दिया। शिल्पा राव ने एक के बाद एक कई बेहतरीन गाने गाए। शिल्पा ने कलंक नहीं इश्क है काजल पिया से श्रोताओं का दिल जीत लिया। वो खबरें जो आपके काम की है, वो खबरें जो आपके लिए जरूरी है, हर आम और खास से जुड़े मसले, हर मसले का सटीक विश्लेषण, हम करते हैं सत्य का अन्वेषण। दखल न्यूज़ आपके हक में। आप देख रहे हैं दखल न्यूज़।